हमारे आसपास हर एक पॉइंट पे, हर एक लम्हे में ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो कहीं ना कहीं या किसी ना किसी तरीके से हमको नीचे गिराना चाहते हैं, हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी स्पोर्ट से रिलेटेड हो, या कोई भी काम से रिलेटेड हो, लेकिन वो बस हमको काबिल नहीं समझते। हमें हमेशा एक ओछी नज़र से देखते हैं कि यार ये किसी लायक नहीं है। वो कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकते हैं, स्कूल के हमारे सीनियर्स हो सकते हैं, कई बार तो कहना नहीं चाहता पर कुछ टीचर्स भी होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने मन में हीन भावना रखते हैं। ऐसे लोग जब हमको डिस्करेज करते हैं, जब भी हमें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा हमारे मन में एक डर पैदा होता है कि यार मैं कैसे इस सोसाइटी को, इन पूरे एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से या अपने आप को इसमें ढाल पाऊंगा, कैसे मैं इस जिंदगी नाम की रेस को जीत पाऊंगा। जीतना तो बहुत दूर की बात है, इस रेस में पार्टिसिपेट भी कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि हमें इतना डराया जा चुका होता है, इतना समझाने के नाम पे, सबसे बड़ी बात समझाने के नाम पे हमें इतनी नेगेटिव चीजें दिखाई जाती हैं कि बस भविष्य पूरा एक ऐसा लगता है कि एक अंधेरी गुफा है जिसमें घुसने का रास्ता तो हमें दिख रहा होता है पर निकलने का रास्ता सिर्फ मौत के अलावा मुझे नहीं लगता कोई दिखता है। और ये वो लोग होते हैं जिनको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, करना चाहें भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग ऐसा पॉसिबल होने ही नहीं देते हैं कि तुम इनको इग्नोर कर पाओ। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब मैंने YouTube करना शुरू नहीं किया था तो मुझे सब कहा करते थे कि यार मेरे ऑफिस में कहा करते थे कि यार तुम्हारी आवाज़ बहुत बेकार है, मतलब मुझे कहते थे मेरी आवाज़ हिमेश रेशमिया जैसी है, लेकिन मुझको कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं, मेरी आवाज़ में वो सीरियसनेस है कि लोगों को मेरी आवाज़ शायद अच्छी लगेगी। मुझे अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस था, मुझे उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या गॉसिप कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे ये पता था कि हाँ मैं अगर ये काम अच्छा करता हूँ तो मुझे ये काम दुनिया के सामने लाना चाहिए, और आज रिजल्ट सबके सामने है। मेरे को किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का जो प्यार मुझे मिलता है वही सबके लिए मेरा जवाब भी है। लेकिन आप ऐसे मौकों पे क्या करोगे जब आपको हर कोई नीचे गिरा रहा होगा, हर कोई दबा रहा होगा, तब आप क्या करोगे? यार इसके लिए ना बस एक जवाब दूंगा तुमको, सिर्फ एक जवाब, कि जब भी कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे तो ये हमेशा याद रखना कि ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। तुम चाहे उस पर भरोसा करो या ना करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। और दूसरी बात, ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करने की हिम्मत करता है। तुमको रस्सी का छोर पकड़ना होगा, उस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ने की ताकत तुम्हें भगवान देगा, अल्लाह देगा। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे बाजुओं में नहीं, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे दिल में बैठे उस भरोसे में है, और वही भरोसा तुमको आगे तक लेके जाएगा। लाख लोग कोशिश करेंगे तुम्हें नीचे गिराने की, लेकिन वो एक हाथ होगा, वो एक हाथ होगा जो तुमको ऊपर की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तुम्हें उन लाख हाथों की परवाह नहीं करते हुए उस एक हाथ की तरफ देखना है बस। करने दो लोगों को गिराने की कोशिश जितना करना है, करने दो, तुम्हें तो आगे बढ़ना है, ये बस तुमको पता होना चाहिए। दूसरे तुम पे भरोसा नहीं करते, मत करने दो, भाड़ में जाने दो। जिस दिन तुम अपने सपनों को पूरा कर लोगे ना, इस दुनिया को मुट्ठी में कर लोगे ना, उस दिन ये दुनिया भी तुमसे सबक लेगी कि यार यही था वो जिसको हमने पत्थरों से मारा, अपने तानों से छलनी किया, लेकिन साला फिर भी खड़ा रहा। और सिर्फ खड़ा नहीं रहा, साले ने जीत के दिखाया, जीत के दिखाया, और आज सबके लिए एक सबक बन चुका है कि क्यों हम जैसों को सुनना नहीं चाहिए, क्यों हम जैसे लोगों को जो ताने मारते रहते हैं उनको नहीं सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, शाहरुख खान हो, या कोई भी बड़ा इंसान हो जिसने अपने दम पे, अपनी मेहनत पे सब कुछ हासिल किया है, उसको किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने नीचा नहीं दिखाया, सबको नीचा दिखाया गया, सबको बुरा भरा बोला गया, लेकिन उन सब में कॉमन बात सिर्फ एक थी कि उन सब ने
हार मानने से मना कर दिया था। वो हार जो उनको दुनिया दिखाना चाहती थी, लेकिन उनने सिर्फ अपनी नजरें उस जीत की तरफ रखी जो वो खुद देखना चाहते थे। तो इसीलिए आईने में दिख रहे उस इंसान पे भरोसा करो, भरोसा करो कि वो जो चाहता है वो हासिल कर सकता है। और मेरा यकीन मानना, तुम वो हासिल कर सकते हो जो भी तुम कुछ चाहते हो। जय हिंद, जय भारत।